आपके बस में जो है ना उसी पे ही आप सोचिए कुछ भी, जो नहीं हो सकता ना उस पे कभी ख्याल मत करिए, कभी नहीं, कि रिजल्ट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप जो कर सकते हैं उस पे ही फोकस रखिए, हमेशा आप मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा आप डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके बस की ही नहीं है उस पे आप जितना भी कुछ भी आप करें वो यूजलेस होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, हाँ वही फिर से रिपीट कर रहा, मैं एक आम इंसान हूँ, आप लोग एज एन एस्पिरेंट मैं भी था कभी, तो कोई भी हो कैसा भी हो कभी मत सोचना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, सब हम कॉमन हैं अभी भी, भले मुझे वो टैग लग गया कि मैं अभी ये हूँ वो हूँ, वो ठीक है, पर अभी भी अगर उसको साइड कर लूँ ना तो मैं आप हूँ, आप मैं हूँ, मैं आप हूँ समझ लूँ। ठीक है, तो हर कोई कर सकता है बस। और जो अच्छा था, अभी हम पहले ये बाहर ही बात कर रहे थे, तो मैं भी देखा था वो उनका जो अनुदीप दीरशेट्टी करके फर्स्ट रैंक 1918 में समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक अच्छा वो बोला था कि यूएसए में किसी यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें क्या था कि एक्सपेरिमेंटर ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स को ही, और उनको बोला गया कि आप को मैं टास्क दे रहा हूँ, आपके पास मिट्टी है बहुत सारे, मतलब मिट्टी है सेम, सब कुछ कंडीशन सेम है, एक को बोला गया कि आप सिर्फ एक ही घड़ा बनाओ, उसको कितना परफेक्ट बना सकते हो, और दूसरे को बोला गया कि आप जितने नंबर ऑफ घड़ा बना सकते हो बनाओ, उनको टाइम है कि चलो जो भी टाइम होगा, एक मान लो 1 महीने में बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए जो जिसको बोला गया, जिस ग्रुप को, कि सिर्फ आपको एक ही घड़ा बनाना है और वो परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरे को बोला गया कि आप नंबर जितने नंबर आप जितने नंबर ऑफ मटका बना सकते हो बनाओ, बस वो कम नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो एक ने नंबर पे कितने नंबर ऑफ वही अटेम्प्ट समझ लो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ध्यान दिया, और किसी ने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में ध्यान दिया और उसी में खुद को एक्यूरेट करने की कोशिश की। अब आप बताओ, यही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे जो भी एक आध मॉक देते हैं, या फिर जो लोग देते हैं मेंस की बात कर रहा हूँ, और जो लोग कई मॉक्स देते हैं, तो बेसिकली उसका रिजल्ट ये रहा था कि जो एक ही घड़ा बनाए उसका तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत, मतलब परफेक्शन जो था ना, क्लोज टू परफेक्शन वाला था वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो जिनने किए थे, कि जितने मटका बनाए थे ना, और लास्ट वाला वो नहीं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि मुझे परफेक्ट बनना है, वो ध्यान दे रहे थे कि मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब जो मटका बनाना है वो जितना मैं कर सकूं, और वो परफेक्शन अपने आप आ गया, और ये बस देख रहे थे मटका अभी एक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब 1 महीने में सिर्फ एक मटका कंप्लीट हुआ, और वो भी जब देखे तो उससे कहीं कहीं मतलब हाँ वो तो बहुत अच्छा था उनका। तो इससे यही कह रहा हूँ कि आप जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जब दे रहे हैं, अटेम्प्ट मतलब वो मत गिनिए कि 19-20 वाला, मतलब मॉक का कह रहा, नंबर ऑफ मॉक्स जो आप दे रहे हैं इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए, और सोच लीजिए कि कल को ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ देगा जो मुझसे ना बने, है ना। हम सोचते हैं आंसर राइटिंग में कि एक बार मैं आंसर लिखूंगा वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं होता। आप ये चीज़ कीजिएगा कि फर्स्ट मॉक होगा या फिर फर्स्ट आपका आंसर होगा, और 4 5 6 7 मॉक्स के बाद फिर जो आंसर होगा सेम आंसर आप देखना, इसलिए परफेक्शन में उतना कि एक ही बार में मेरा आ जाए वो परफेक्शन उस पर मत जाइएगा, उस पर कोशिश कीजिए कि मैं कितने बार में उसको लिख सकता हूँ, कितनी बार याद कर सकता हूँ, तो वो अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ वो उसके लिए भी है कंडीशंस कि आपको ध्यान देना कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, अगर वो सुधरनी चाहिए ना हर अटेम्प्ट में, क्योंकि सेम मिस्टेक अगर हर अटेम्प्ट में आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट के, तो फिर क्या इम्प्रूवमेंट होगा, फिर नहीं होगा। बस गलतियों को सीखते हुए बस जितने नंबर ऑफ आप मॉक्स लगाएंगे बेहतर, डेफिनेटली बेहतर होगा वहीं पे। तो मॉक का इम्पोर्टेंस ही बता रहा था मेंस का खासकर, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। और तो ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्वेरीज तो दे ही दिए, क्लियर कर ही दिया, और किसी को अभी भी है लग रहा है तो आप बताइए, पूछिए। हाँ ठीक है, ये भी सवाल सही है, जैसे मैंने कहा कि 5 रिवीजन देना है या फिर 10 रिवीजन, तो पहला जो रीडिंग होगी ना आपकी, आप इफर्टलेस मतलब आप नॉवेल पढ़ रहे हो, सोचो ही मत, बस आप पढ़ दो उसको अच्छे से, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मत समझो, समझना ही नहीं है आपको, आप देखो कि वो पूरा बुक कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड रीडिंग में ना आप बिना इफर्ट किए कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो हिट कर जाएंगी, है ना, तो वो चीज़ें अब जब पढ़ोगे तो और थोड़ा सा अलग से, अलग तरीके से सोचेंगे। थर्ड रीडिंग में भी ठीक है, 3 रीडिंग जब मिनिमल हो जाए उसके बाद ना चीज़ों को अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए आप, या फिर थर्ड रीडिंग से ही पेंसिल पेन या फिर वो हाईलाइटर से ही,
जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप रीडिंग भी मार रहे हो तो कैसे करोगे, मेन आपका प्रीवियस ईयर वो मतलब क्वेश्चंस होंगे प्लस सिलेबस, क्योंकि मैंने कहा कुछ भी करने से पहले ये दो आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिलोसफी के लिए तो सबसे बेस्ट है, फिलोसफी का जो सिलेबस है ना पेपर 6 का, अगर वो आपका वो चीज़ पता है, सिलेबस ही टू द पॉइंट, मतलब एक एक चीज़ वर्बटीम आपके यहाँ पे है ना जुबा पे, तो प्रीलिम्स के सवाल उससे क्लियर वो आ जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा है वो सिलेबस। तो सिलेबस पूरा टू द पॉइंट आपके पास होना चाहिए, मतलब अगर मैं साइड में करके पूछता भी हूँ ना कि क्या है सिलेबस, अब बस कह दो कि इंडियन फिलोसफी में ये फिलोसोफर्स हैं, इनके ये हैं जो है ना जो टॉपिक्स है इसमें मेंशनड है, बस। तो सिलेबस तो है टू द पॉइंट, याद करके, याद ना भी करो तो पता होना चाहिए मैं पढ़ रहा हूँ बुकलेट में तो ये रिलेवेंट है क्या, उस सिलेबस में मेंशनड है कि नहीं, तभी तो, नहीं तो आप हर एक लाइन पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो जब अंडरलाइन करना स्टार्ट करें तब से आप ये देखें कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे, मैं बार बार उस चीज़ को भूल पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, तो वो फिर से देखूंगा तो याद हो जाएगा, ऐसे पढ़ना है। तो फर्स्ट दो रीडिंग में तो बस नॉवेल की तरह ख़त्म कर दो ना, थर्ड रीडिंग में फिर भाई, फिर फोर्थ रीडिंग में, और फिर चीज़ें पढ़ते ही याद हो गई हैं और कुछ चीज़ें फिर भी अभी भूलना हो रहा है, तो फिर उसको दूसरे चीज़ से हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि यही बहुत बड़ा टास्क है। अभी कहना कितना आसान है कि 4 5 6 रीडिंग आप कर लिए ना, तो बस आप हो यहाँ पे, आप यहीं पे हो, फिर यही वही है, कहना और करना में तो बहुत फर्क पड़ता है। अब देखिए आपको मेंस में लिखना कहाँ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सीधी सी बात है कि वो आप यहाँ जो लिखेंगे ना वही होगा बेस्ट, अगर प्री के लिए ऑनलाइन का ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन से क्या मतलब, आप कैसा कि आपने, नहीं, वो अब देखिए जहाँ पे ऑफलाइन है ना सब कुछ, तो वहाँ पे ऑनलाइन कैसे आप जस्ट वो करेंगे उसको कि मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है ऑफलाइन ही सब कुछ, सर्कलिंग सारा कुछ करना है, तो ऑनलाइन से क्या होगा, अगर आपके पास कंडीशन ही ऐसे हो रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो कीजिए ना, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वही है तो फिर ठीक है चलेगा। पर आप आके इंस्टीट्यूट में कहीं भी अगर टेस्ट दे रहे हैं या फिर घर में भी वो माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं कि 2 घंटे का मैं टाइमर लगा के कर पा रहा हूँ तो सही है, जहाँ पे लगे कि वो बेस्ट है वो कीजिए। और एनी क्वेरीज किसी को, मेडिटेशन में हेल्थ पे फोकस कर रहा ना, हेल्थ में दो चीज़ें भी आ जाएंगी, आप योगा कीजिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, अभी रिक्वायर नहीं, आपके पास लाइफ पड़ी है, आप जिम, चलिए पहले आपकी बात करते हैं, आप मुझसे, मैं योगा का वो नहीं हूँ, पर मैं कह रहा आप देख लीजिए ना 2 4 वीडियोस देख लीजिए कि एक स्टूडेंट को कौन से योगा करना है, जो वो सर के बल वाला होता है ना, मैं 2 3 चीज़ें करता हूँ, हाँ मैं याद नहीं आ रहा मुझे, शीर्षासन कह रही, हाँ शीर्षासन हो गया, और हाँ आप लोग को तो पता ही है, बस लिस्ट ले लो कि मैं डेली 3 या 4 कर लूँ, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत हमें ऐसे पता नहीं चलता, पर वो चीज़ें हैं जो हमारे जो प्रिपरेशन को ना और मजबूत बनाती है, कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट तो है ही है अंदर से, आप कॉन्फिडेंट हो गए ही हो गए, पर अच्छे से फोकस कर पाओगे बस ये है, अगर अच्छे से फोकस कर पाए आपके पास डिसिप्लिन है तो फिर क्या चीज़ रह जाती है। तो जैसा भी योगा लगे चाहे एक्सरसाइज लगे, देखिए आपकी बात जो कह रहे हैं जिम विम ठीक है, मैं कभी जिम नहीं गया, नहीं मैं तो रिकमेंड भी करूँगा कि जिम ना जाके ना आप खुद से ही बस 15 मिनट दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे फोक मेन है टारगेट पढ़ाई, जिम तो आप हो जाइए ऑफिसर बन जाइए फिर आपके पास है, आराम से आप करते रहिएगा। हाँ अलग बात है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन किसी को इम्प्रेस करना है तो फिर आप हट रहे हैं ना फिर आपने वहाँ से, अब वही है कि आपका क्या है प्रायोरिटी क्या है फिर। हाँ तो वही चीज़ कहा ना कि उसमें भी क्या प्रायोरिटी है, अब कैसा फिटनेस, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जिम ना जाओ, जिम से कहीं बेहतर है ना आप घर पे रह के, क्योंकि मैं हमेशा से अभी जो भी 2 2.5 3 साल से हो रहे हैं मैं
अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में ये था कि मैं 2 महीने के लिए जिम गया था। अब जिम में देखो, एक तो पैक्ड होता है, कितने लोग सांस ले रहे होते हैं, और वो इन्वायरमेंट लगता है एक्चुअली में शुद्ध होगा, नहीं होगा ना। अब खुले वातावरण में छत के ऊपर कर रहे हैं, 15 मिनट ही कीजिए, इंटेंसली कर लिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं थक गया बस। सबसे अच्छा वही है, ये कहते हैं जिम विम आजकल, तो मुझे सही नहीं लगता वो। अब सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं, मैं यहाँ कह रहा सही नहीं, कई लोग को लगता है कि नहीं जिम ही है जो मुझे बॉडी में शेप दे सकता है सही, जहाँ जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए, और ट्रेनर तो रहते ही हैं डेफिनेटली। तो जिम के भी अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, चाहे आप यहाँ घर पे करें उसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, तो हो गया ना सबका क्वेरीज। हाँ, आइडियली मैं बताऊं तो डेली ही बता देता हूँ। हाँ, डेली बेसिस पे। तो पहले तो अब देखिए, मेंस तो अभी साइड रखिए, बिल्कुल भी अब मेंस पे फोकस ही मत कीजिए अब तो। अब आपका मेन टारगेट होना है कि प्री क्वालिफाई करना। प्री क्वालिफाई के लिए आप देख लीजिए जो भी है, दो तीन जो भी ज़रूरत है कि हाँ इतना लिमिटेड रिसोर्स है। अब उसको आपका टारगेट होना चाहिए कि दो तीन, अब अभी तो तीन रिविजन ही, उतना भी कर लिए तो बहुत है, प्लस विथ मॉक टेस्ट है ना उसके साथ साथ। और ये तो नहीं भी किया हो तब भी मैं अभी भी बोलूँगा कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पहले होना चाहिए मॉक से पहले, वो खुद से कर लो है ना, क्योंकि वो मस्ट है, चाहे जो भी कोई कुछ भी बोले, पर मैं मुझे लगता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सारा, हर एक सवाल आप एक बार देख चुके हो, लगा चुके हो, उसके आंसर जान चुके हो, ठीक है। उसके बाद बोला ना वही चीज़, आप रेगुलरली दो तीन सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग करके, आज मैंने पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दो दो तीन तीन घंटे दे दिए, बस ये आपको लगना नहीं चाहिए बोरिंग। मेन चीज़ ना, सब्जेक्ट चेंज करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप देखो कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, जो भी 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैं पढ़ूंगा ना, तो मेरी इफिशियंसी कम हो जाएगी, ये है ये चीज़, मैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर आप अलग अलग सब्जेक्ट रखते हैं ना, तो अगर 3 घंटा भी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसमें भी पोमोडोरो टेक्निक लगा के 50-10 का, 55 का, जैसे भी सुटेबल हो, क्योंकि अगर 5 मिनट में इंसान रिफ्रेश हो जा रहा है तो इनफ है, तो वो करके 3 घंटे दे दिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए वो दे दिए 2-3 घंटे, फिर अलग मुझे मॉक देना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, वो हो गया, फिर लास्ट में फिर सोने से पहले वो जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर रिवाइज कर सकते हैं तो बेस्ट है। ये तो मैं कह रहा, लैंग्वेज का पेपर ऐसा है ना कि आपको इग्नोर करिए ही मत, डेली उसको 1 घंटा तो रखिए ही। आप ऐसा सोच नहीं कि एक दिन में सब सारे सब्जेक्ट्स का मैं शेड्यूल बना लूँ, ये उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। पर कुछ कुछ जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे हर दिन देना है, 1.5 घंटे 1 घंटे देना ही है, उसके लिए तो अलग से आप टाइम स्लॉट रख ही लो। कि अगर दो तीन सब्जेक्ट्स, मैं बोला लैंग्वेज का, विनय कुमार पाठक, अगर आप में सच में स्कोर करना है पेपर वन में 130, 140, 150, तो डेली आपको मिनिमम 1 घंटा देना ही पड़ेगा, बाकी आप जो भी पढ़ो। क्योंकि मैं फील किया हूँ मेरे मार्क्स नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ वो चीज़, मेरे पास अगर अच्छा टाइम दिया होता तो डेफिनेटली। अब मैं रटने की थोड़ी कैपेबिलिटी कम है थोड़ा सा, तो यही चीज़ तो मैंने कहा ना, अब उसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, समझ गया। अब वो इंटरेस्ट की जो बात कर रही है ना, कई बार ऐसा होता है देखो, इंटरेस्ट, अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सब में तो आ नहीं सकता, ये कॉमन है, तभी कोई आर्ट्स लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई साइंस लेता है, ठीक है। पर अब वहाँ मैंडेट रिक्वायर्ड है कि CSE CGPSC के लिए, तो पढ़ना तो मुझे सबको है, टाइम तो सबको देना है मुझे, तो जो चीज़ें इंटरेस्ट लगती हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं। फिर जो सबसे बोरिंग वाला है उसको उठते ही कीजिए, क्योंकि वो माइंड फ्रेश रहता है। तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग का स्लॉट रखिए उसके लिए है ना, उसको पहले पढ़िए, और जो इंटरेस्ट वाला है उसको बाद, जैसे जैसे टाइम, दिन का टाइम ढलता गया तो शाम के टाइम रखिए उसको पढ़िए। हाँ तो उसको सुबह ही ओपन कीजिए ना, सो के उठने से के बाद। आप सिलेक्शन चाहते हैं ना तो मत छोड़िए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, नो मोर क्वेरीज, सब हो गया क्लियर। ठीक है सर, ठीक है वीर, तो आप लोगों को क्वेरीज खत्म हुआ, डाउट क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को विवेक सर के सामने मतलब थैंकफुल होना चाहिए कि
कि मुझे लगता है उन्होंने आपका सभी प्रकार के डाउट क्लियर भी किया है, और एटलीस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि आज ये यहाँ सामने खड़े हैं, कल आप यहाँ सामने आए हैं, है ना। और एट द सेम टाइम हमारे बीच में एक तहसीलदार साहब भी बैठे हैं, है ना, तो वो भी कभी ना कभी आएंगे अभी सामने, ठीक है, और उनसे भी आप पता करेंगे, जानकारी लेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो विवेक सर है ये दोबारा आएंगे और दोबारा भी आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, ठीक है। आज ये डिप्टी रजिस्ट्रार है या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, इन अनदर 1 or 2 ईयर ही माइट बी एन आईएएस ऑफिसर, तो उस समय भी आप लेंगे एक मतलब एक आइडियल पर्सन रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बार बार ये आएँ और मोटिवेट करें आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।